I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. चार्टर्ड फ्लाइट? हाँ सर, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, अर्जेंट जाना होगा। मैं समझ गया, तुम करोड़ों में खेलकर मुझे लाखों की भीख दे रहे हो, ऐसा ही है ना? नहीं सर, इसमें आपको भी बड़ा अमाउंट मिलेगा। वो कैसे? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की भी मुझसे प्यार करे, इसलिए मुझे फ्लाइट चाहिए सर। मैंने फ्लाइट के बारे में नहीं पूछा, शेयर के बारे में पूछा। लड़की बहुत पैसे वाली है सर। है कौन वो? भाई की ही बेटी समझ लो। भाई की ही बेटी मतलब? मतलब उतनी पैसे वाली सर। जायदाद मेरे हाथों में आते ही 10% तो आपका है ना। तुम्हारे जैसे फास्ट फैन को मैंने अपने पास्ट में नहीं देखा। थैंक यू सर। रघुराज नाम है उनका, उनके पास पर्सनल फ्लाइट है, हमारे ही क्लाइंट है। ओके। हेलो राजू जी, मैं डिंपल बोल रहा हूँ। एक चार्टर्ड फ्लाइट चाहिए अर्जेंटली, हमारे भाई के पर्सनल आदमी है। पर्सनल मतलब? दामाद। क्या कहा? दामाद? हाँ मतलब दामादी है। ठीक है, अरेंज करता हूँ। थैंक यू सर, तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर कहकर कहाँ भाग रहे हो? फ्लाइट पेमेंट 3 लाख मुझे देने पड़ेंगे। एक घंटे में भिजवाता हूँ, लड़की वहाँ वेट कर रही है सर। लड़की को मत छोड़ना। हाँ नहीं छोड़ूंगा सर, इसे खूब निचोड़ना है, निचोड़ूंगा। क्या हुआ, गुदगुदी हो रही है? क्या ड्राइवर बाबू, आपको तो तेल मालिश भी नहीं आती है। मुझे दीजिए, मैं लगाती हूँ। ऐसे हाथ में तेल लेकर इस तरह ऐसे रगड़ते हैं। मजा आ रहा है ना? माफ रे, चंचल हंसी। फिर आराम से धीरे धीरे रगड़कर जांघों की तरफ आगे बढ़ते हैं, इससे मूड भी बन जाता है। औरत का हाथ लगने से इंसान कितना मूड में आ जाता है ना। और फिर धीरे धीरे ऐसे रगड़ रगड़ कर जांघों से ऊपर ऐसे पकड़ पकड़ कर इसे। क्या कर रहे हो आप, पागल हो गए क्या? मैं पागल नहीं हुआ हूँ, तुम दोनों पागल हो गए हो। बाथरूम में घुसकर रगड़ा रगड़ी कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, बच्चों को कैसे नहलाते हैं ये इनको नहीं पता, तो बस वही सिखा रही थी। ओहो, बच्चों को नहलाना नहीं जानते, ऐसे लोग भी ना जाने क्यों बच्चा पैदा कर लेते हैं। बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो शादी क्यों की? ए, कौन बोला रहे? कौन बोला? हिम्मत है तो सामने आकर बोल के दिखा, डरपोक कहीं का गधा। ये क्या है, सिंगापुर से नहीं लगता है ये किसी जू से आ रहा है, दिखने में भी गोरिल्ला जैसा है। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बेटा, तुम इतने खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर तो अच्छी अच्छी लड़कियां फिसल जाती होंगी। हाँ, सही कहा। सही कहा मैंने? इस लंगूर की औलाद को लड़कियां देखते ही डर जाती होंगी। अंकल। हाँ। और कितना टाइम लगेगा? और 1 घंटा लगेगा। इतना टाइम तो किसी को मरने को भी नहीं लगता। इट्स अ जोक, जोक यू सी। बेहतर होता 8 घंटे की नौकरी कर लेता, सैलरी के लिए कम से कम सोचना तो नहीं पड़ता। बाबू कहाँ पर हो तुम? अपने गंगाराम जी के बेटे को रिसीव करके घर ला रहा हूँ बाबू। उस महाशय को इस महाशय के पास ले आइए ना। और ज्यादा उलझन में मुझे मत फंसा बाबू। बाबू 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 दत्तेरे की फिर फंसाया। अंकल का क्या पब्लिक बैकिंग है, मान गए, माइंड ब्लोइंग। सदाशिव जी जिंदाबाद, हमारे 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 सदाशिव जी जिंदाबाद। चल बात बैठ। एक तरफ मैं इन भिखारियों की सैलरी के लिए लड़ रहा हूँ और ये मुझे ही भिखारी की तरह दुत्कार रहे हैं, इनका तो भगवान भी भला ना करे। वेलकम सर। मैं सर नहीं, राज हूँ। वेलकम राज जी। मैं राज नहीं, सिद्धार्थ राज हूँ। अरे कोई भी राजू, आ जाओ बाजू। कोई ऐरा गेरा राजू नहीं, मैं सिद्धार्थ राजू हूँ, भूल मत। सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। नमस्ते सर। वाह क्या बात है, मेरा डुप्लीकेट मालिक। ए, 2x2 यहाँ कैसे? वेलकम माय डियर सर। सन इन लॉ, मतलब वही 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 वही, प्लीज कम। मिस्टर पी के, मेरे सेक्रेटरी से मिलके मिलकर क्या थोड़ा और पी लेना। तुम्हारे डैडी मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, अब मुझे ये खेल नहीं खेलना। डैडी 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 कौन है? डैडी किसका डैडी है वो? अरे मैं तो बेइज्जत होने के लिए यही पैदा हुआ हूँ, चलो काम पे लगते। सफर कैसा रहा बेटा? सुपर अंकल।
यही है ना पूर्णिमा आपकी बेटी? यार तू कितना शार्प है।